नमस्कार दोस्तों, माझी शाळा सुंदर शाळा इस अभियान के अंतर्गत सेल्फी उपक्रम, इसमें फॉर्म को कैसे भरना है इससे रिलेटेड ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इस आसान वीडियो की मदद से हमारे पेरेंट्स भी इसे आसानी से फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो के लिए आपके पेरेंट्स ग्रुप में टीचर्स ने कुछ लिंक भेजा होगा इस प्रकार से। उस लिंक को ओपन करने के बाद आपको एक पेज दिखाई देगा ठीक इस तरह का। उस पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। पहला ऊपर आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो सेम मोबाइल नंबर आपको नीचे फिर से कॉपी करना है। देखिए, इसमें बताया गया है कि आपने जब एक बार मोबाइल नंबर डाला तो उसको किस प्रकार से कॉपी करना है। एक बार मोबाइल नंबर कॉपी करने के बाद उसे नीचे पेस्ट कीजिए। उसके नीचे इस तरह का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या अल्फाबेट कुछ ABCD टाइप के जो भी आपको दिया जाएगा, जिसे कैप्चा कहा जाता है, सेम टू सेम अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, उसे नीचे टाइप करके आपको अपलोड करना है। जब तक ये अपलोड हो रहा है आपको एक बात बताया जाए कि इसके लिए आपके पास पहले से ही आपके मोबाइल में बच्चों के दो फोटो होने चाहिए, मुख्यमंत्री का संदेश के साथ सेल्फी उनके पेरेंट्स के साथ और बच्चों के द्वारा लिए गए घोष वाक्य के साथ सेल्फी, जो आपके मोबाइल में पहले से ही सेव हो। जैसे ही पेज नंबर 2 ओपन होता है यहाँ पर आपको आपके बच्चे का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने सेजल यादव लिखा है, स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन में जिला दिया गया है। ये स्कूल जो है वो थाने जिला के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर हमने थाने जिला को सेलेक्ट किया है। देखिए, ऐसे कई सारे ज़िले दिखाई देंगे, उसमें से आपका स्कूल जिस जिला के अंतर्गत आता है वो सेलेक्ट करना है। और फिर तालुका यहाँ पर नवी मुंबई का ऑप्शन न होने के कारण हमने थाने तालुका लिया है। थाने तालुका सेलेक्ट करने के साथ इसे अब हम आगे चलकर कंटिन्यू बटन पर जो नीचे रेड कलर का दिया गया है उसे टिक करेंगे और कंटिन्यू करके पेज 3 पर जाएंगे, यानी स्टेप 3 पर जैसे ही हम जाएंगे ये पेज लोड होते ही स्टेप 3 ओपन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आपको क्या क्या भरना है। स्टेप 3 पर जाने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3 चालू हो गया, जो आपके मोबाइल में पहले से ही आपने घोष वाक्य का जो बच्चों के हाथ में पकड़े हुए फोटो लिया है, इसमें आपके गैलरी से जाकर के सेलेक्ट करके ये देखिए, इस पेरेंट्स के साथ इस बच्चे ने घोष वाक्य जो लिखा था उसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसे अपलोड किया। जो घोष वाक्य ऊपर लिखा गया है सेम घोष वाक्य आपको यहाँ पर नीचे खुद एंटर करना है। इस प्रकार से आप घोष वाक्य एंटर करेंगे। अगर आपके मोबाइल में मराठी टाइपिंग है तो आप मराठी में टाइप कीजिए। शिक्षण हीच खरी श्रीमंती, इसे टाइप करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए आपका जो घोष वाक्य था उसे सेम एज इट इज़ आपको नीचे टाइप करना है अपने हाथों से। घोष वाक्य का फोटो फ्रंट कैमरे से लिया जाए, बैक कैमरे से इमेज जो है वो मिरर इमेज आएगा, इसलिए बच्चों को घोष वाक्य सेल्फी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज ओपन होगा। नए स्टेप में आपको मुख्यमंत्री के संदेश के साथ पेरेंट्स की जो सेल्फी है उसको अपलोड करना है, जो आपके गैलरी में पहले से सेव होना चाहिए इस प्रकार का। देखिए, यहाँ पर अपलोड इमेज में जाने के बाद पेरेंट्स के साथ जो बच्चे की सेल्फी है उसे हमने यहाँ पर अपलोड किया और फिर से हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। याद रखिए, ये सारे इमेज आपको पहले से ही अपने गैलरी में सेव रखनी है। इमेज पर क्लिक करते ही यहाँ पर लास्ट पेज ओपन हो गया, जिस पर जो प्रतिज्ञा वाचन सवय संबंधी प्रतिज्ञा जो बच्चों को करवानी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो पहले पेज में हमने बच्चे का नाम टाइप किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा और बच्चों से ये प्रतिज्ञा हमें दिलवानी है। मी सेजल यादव प्रतिज्ञा करते की दररोज रात्री मी कोणत्याही पुस्तकातील किमान 2 पाने वाचूनच झोपेन, कारण मला हे समजले आहे की दररोज वाचण्याची सवय प्रत्येकाला समृद्ध आणि यशस्वी आणि आनंदी बनवते। ये पेज टाइप करते ही नीचे आई प्लेज पर आपको ब्लू टिक यहाँ पर टिक करना है और फिर कंटिन्यू बटन पर जैसे ही आप करेंगे तो ये पेज लोड हो जाएगा। आपके 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, गो बैक टू योर होम पेज। पर आप जाकर नए बच्चे का फॉर्म चाहे तो सबमिट कर सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रखिए कि एक मोबाइल नंबर से आप एक ही बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो आपको माता पिता के दो अलग अलग मोबाइल से दोनों बच्चों के फॉर्म भरने होंगे। इस तरीके से इस वीडियो की मदद से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।